सिनेमैटिक ग्रीन टोन सबसे चाहिदा और ज्यादा यूज होने वाला इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सिनेमैटिक ग्रीन एंड सॉफ्ट ग्लो टोन। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिनेमैटिक सॉफ्ट व्हाइट ग्लो एंड ग्रीन ग्रास वाला जो टोन होता है वो टोन कैसे क्रिएट करते हैं। और ये वाला जो सिनेमैटिक टोन देख सकते हो क्या ही लग रहा है, बहुत ही ऑसम। सो इसी तरीके का सिनेमैटिक क्रीमी टोन गाइस आज मैं बताने वाला हूँ सॉफ्ट ग्लो के साथ साथ ग्रीन टोन के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूँ पूरे का पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। और इस वाली जो वीडियो में कलर ग्रेड किया गया है जो कि सॉफ्ट ग्रीन टोन बनाया गया है और हल्का सा ब्लू को इसमें ऐड किया गया है। सो ये टोन कैसे आप लोग क्रिएट कर सकते हो अपने वीडियो में, सिनेमैटिक वीडियो बनाओगे तो छा जाओगे इंस्टाग्राम पे, तो वीडियो को गाइस ध्यान में देखना है इस पर। सो सबसे पहले गाइस वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और सबसे पहला स्टेप होता है VPN। सो गाइस आप लोगों को सुपर VPN या फिर किसी भी VPN से कनेक्ट कर देना है। सो सिंपली गाइस उसके बाद कैपकट का प्रो वर्जन को यूज़ करना है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम में। ओके, सो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे तो यहाँ से आप लोगों का वीडियो फुटेज जो है उसे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो इस टाइप का वीडियो फुटेज देख सकते हो, बिल्कुल ऑन कलर ग्रेडिंग, मतलब कुछ भी कलर ग्रेडिंग नहीं हुआ है। स्काई देख सकते हो इस तरह का है, इस तरह के स्काई को हम लोग कलर ग्रेड करेंगे और ग्रास को भी कलर ग्रेड करेंगे और वन क्लिक में सिनेमैटिक टोन ऐड करेंगे। तो ब्लैक फेस को डिलीट कर देना है आपको और उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इस बार वीडियो पर क्लिक कर देना है और यहाँ से नीचे से बहुत सारे टूल मिलेंगे तो यहाँ पर एडजस्ट ऑप्शन को ढूंढना है। ओके, एडजस्ट में चले जाना है तो कंट्रास्ट को गाइज आप लोग इंक्रीज कर देना है 50 के अराउंड और उसके बाद गाइज आप देख सकते हो कुछ इस तरह का टोन आ जाएगा। सैचुरेशन को गाइज आप लोगों को हल्का सा इंक्रीज करना है। HSL टूल में जाना है तो यहाँ से ग्रीन को हाई कर लेना है 85 के अराउंड। तो आप लोगों को ये वाला कलर जो है इसकी सैचुरेशन को हाई करना है और ये देख सकते हो इसका ह्यू को माइनस की ओर लेना है और ये कुछ इतना कलर ग्रेड आप लोग कर लेना है। ओके, इतना कर देने के बाद आप लोगों को टेम्परेचर पे जाना है तो टेम्परेचर को माइनस की ओर लेना है। ओके, तो माइनस की ओर लेंगे फिर यहाँ से डन आइकन में क्लिक करके हम लोग डन कर लेंगे। और उसके बाद गाइज ये काम हो जाने के बाद गाइज आप लोगों का वीडियो कुछ इस तरह का बन के तैयार हो जाता है। देख सकते हो ग्रीन जो है टोन जो परफेक्ट मैंने ग्रीन टोन ऐड किया है ग्रास वगैरह में और हल्का सा स्काई में मैंने चेंजेस कर रखा है। तो अगर आप लोग हल्का सा यहाँ से एडजस्टमेंट करना चाहते हो HSL टूल में जाके तो ग्रीन वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो सेकंड वाला कलर है इसका इल्यूमिनेशन अगर हाई कर देते हो तो आप लोगों का चेहरे का जो कलर है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो अभी हम लोग ग्राफ को तीनों टोन में हल्का हल्का सा इंक्रीज करेंगे। देख सकते हो मैंने ग्राफ को इतना रखा है तो आपको भी ग्राफ को इतना ही रखना है। ओके, सो जो मैंने ग्राफ किया है आप लोगों को वही करना है ताकि परफेक्ट कलर ग्रेडिंग वगैरह बन जाए। तो इस तरह के आप लोगों का वीडियो बन के तैयार हो जाएगी, जो देख ही सकते हो कुछ इस तरह का कलर ग्रेडिंग बन के तैयार हो जाएगी। और इस तरह के बनने के बाद गाइज आप लोगों को इफेक्ट के अंदर जाना है, वीडियो इफेक्ट के अंदर जाना है तो यहाँ पे आप लोगों को सर्च सेक्शन मिलता है वहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना है तो आप लोगों को ड्रीमी ग्लो इफेक्ट को लगा देना है। ओके, वहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग है उसी सेटिंग को आप लोग कर लोगे ताकि आप लोगों के उसी जैसे कि प्रीव्यू में देखा था उसी तरह के कलर ग्रेडिंग आप लोगों का हो जाएगा। सो ड्रीमी ग्लो इफेक्ट को लिख देंगे, सर्च करेंगे तो इस तरह का ड्रीमी ग्लो इफेक्ट आ जाएगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप लोग वहाँ पे क्लिक कर लोगे तो आप लोग एडजस्ट ऑप्शन में जाना है और इसका रेंज वगैरह आप लोग सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसका रेंज हल्का सा कम कर लेते हैं, आप लोगों का वीडियो मुताबिक देख सकते हो वीडियो में चेंजेस वगैरह आएंगे तो आप लोगों को सही से चेंजेस करना है, जो भी कलर वगैरह अच्छा लगे तो उसी तरीके से करना होगा आपको। सो सिंपली ये वाला जो कलर देख रहे हो ये कलर को आप लोगों इधर उधर करके आप लोगों को जो भी कलर पसंद आए उसी जगह पे आपको रुक जाना है। ओके, तो देख सकते हो यही कलर मुझे पसंद आ रहा है तो यहीं पे हम लोग रुकेंगे। तो हल्का सा जो ब्लू कलर भी आ रहा है और हमारा कलर भी मेंटेन हो रहा है तो इसी कलर में हम लोग रुकेंगे। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से कलर ग्रेडिंग हमारी बन चुकी है जो कि देखने में बहुत ही ऑसम लग रही है। और सिंपली यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो जो है ऊपर की ओर आ रहा है तो देख सकते हो जब आप पूरा का पूरा स्काई दिख जाएगा वहाँ पे आप लोग सॉफ्ट ग्लो कलर आप लोगों का मिल जाएगा। देख सकते हो
ये जो है सियान कलर से मिल चुका है आपको। तो इसी तरीके से गाइस कलर ग्रेडिंग वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिए, और भी कलर ग्रेडिंग वीडियो कमेंट कर सकते हो, हम लोग मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ग्लो को इंक्रीज करोगे तो सॉफ्ट ग्लो आप लोगों की वीडियो में आने लग जाएगी, जो कि देखने में बहुत ही ऑसम लगता है। तो इसी तरह का वीडियो गाइस आप लोगों को क्रिएट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, काफ़ी अच्छी चांस है, रील्स वगैरह वायरल होते रहते हैं। सिनेमेटिक ट्रेंड में 60 वीडियो में आप लोगों का रील वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, क्योंकि हर टाइम सिनेमेटिक रील्स जो है ट्रेंडिंग में चलता है। सो कुछ इस तरह से कलर ग्रेडिंग हम लोग करेंगे तो हल्का सा कम करेंगे 60 का अराउंड। तो ये देख सकते हो तो क्या ही लग रहा है ये वाला कलर, तो रेंज वगैरह तो ऑसम है। तो सिंपली इसी तरीके से आप लोगों को भी कर देना है कलर टोन वगैरह, तो यहाँ से प्ले करके देख सकते हो क्या ही लग रहा है कलर ग्रेडिंग, सॉफ्ट ग्लो तो है, ऑसम तरीके से गिरा हुआ है। तो इसी तरीके से आप लोग भी वीडियोस क्रिएट करके अपलोड कर सकते हो सिनेमेटिक ड्रीमी ग्लो, और ये जो मैंने सॉफ्ट ग्लो बताया और ग्रीन टोन, गाइस देख सकते हो ग्रास का कलर को हम लोग ग्रीन टोन में कन्वर्ट किया, जो कि देखने में बहुत ही ऑसम लग रहे हैं। तो गाइस वीडियो को गाइस कैसे लगी आप लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं गाइस ऐसे ही वायरल एडिटिंग में।